हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है वेंसडे और आज है 14th अगस्त और आज होता है मेरा वीक ऑफ। तो आज हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड्स से, कॉलेज फ्रेंड्स से मिलने, रुचि, कृति और श्रेया से। कृति से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं हमारे कॉलेज रियूनियन वाले व्लॉग में। रुचि और श्रेया से हम लोग आज मिलेंगे। तो ऑर्डर लगा है ज्ञान भवन में, गांधी मैदान में, एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो उसे भी हम लोग एक बार एक्सप्लोर करेंगे। आई होप ज़्यादा भीड़ ना हो ताकि हम शूट कर पाए। बेसिकली ये वीडियो हम बस बना रहे हैं ज्ञान भवन में जो ट्रेड फेयर लगा है उसे ही शूट करने के लिए। फ्रेंड्स के साथ मिलना मिलना वो तो इसे यहाँ पे इंक्लूड हम नहीं करेंगे। बेसिकली ये ट्रेड फेयर के लिए ये वीडियो है। तो आई जस्ट विश कि ज़्यादा भीड़ ना हो वहाँ पे। बजने वाले हैं 12:30, दोपहर के 12:30, और बस फिर हम थोड़ी देर में अभी निकलेंगे। और आज हम पहने ये टॉप, ये काफ़ी अच्छा सा ये फ्रिल वाला टॉप है, और साथ में मैंने ये ब्लू जीन्स पहना है। पूरा आउटफिट अकेले कैसे दिखाएं आपको। चलो, तो ये टॉप हम लास्ट ईयर अपने बर्थडे में लिए थे रिलायंस ट्रेंड्स से, और इसे पहनने का मौका आज मिला है। तो चलिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं अपने दोस्तों से भी और करवाते हैं ट्रेड फेयर की सैर। स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे हम ज्ञान भवन पहुँच चुके थे और पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया, जितना लगता नहीं है मेरे घर से गांधी मैदान आने में। पर ये जो कोलकाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर हुआ है, उस वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, और मेट्रो कंस्ट्रक्शन के कारण भी बहुत ट्रैफिक था, इस वजह से हम लेट हो गए। और मेरी दोनों फ्रेंड्स कृति एंड रुचि ऑलरेडी आ चुकी थी। हम तो लेंगे हाँ। देखो कसम को छोड़ के आगे भाग रही है। अरे इधर 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 घूमो ना, कहाँ खराब लग रही हो, दिख गई। इसको तो सब जानते हैं, मैं टिकट ले लूँ। ये भी रहता है शो पीसेस। अरे कैमरे पे मत बोलो, तुमको ये बहुत पसंद है, ये सारा वो वाला देखो ना, वो फ्लावर अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा एक कलर डालने के लिए। तो जब हम ट्रेड फेयर में गए थे तो वहाँ पे जितने भी शॉप्स थे उनके शॉपकीपर से हम उनके एक एक प्रोडक्ट का प्राइस नहीं पूछे हैं। जहाँ पे प्राइस विजिबल था बोर्ड पे या लगा हुआ था वहाँ पे हम ऑलरेडी आपको दिखा दिए, क्योंकि किसी से ऐसे शॉपकीपर से प्राइस पूछना, बस सामान निकाल के देख करके छोड़ के आ जाना, ये पसंद नहीं आता हमें, ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं ये काम किए हैं। बस क्या मिल रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स है, बस वही हम आपको इस वीडियो में बताए हैं, दिखाए हैं। ये देखो ना कितना सुंदर है, ये पोस्टर्स बहुत अच्छे हैं। देख गई। वापस मत जाओ, वापस इधर आओ। क्या देख रही थी? फिर से उसी पोजीशन में देखो ना जैसे जाके देख रही थी। चलो कहीं अपने स्टूडेंट्स ना टकरा जाओ तुम। शूरैप क्या रेट है आपके शूरैप का? 7,800। हाँ
खूबसूरत है, ये चीज़ बहुत सुंदर लगता है। कालीन भी है, सेट बहुत अच्छा है, एरोमा प्लास्टिक कूलर का कितना अच्छा हवा है, कूलर ये कूलर एसी को भी फेल कर रहा है। ऐसा डाइनिंग टेबल अच्छा लगता है ना देखने में, 1,35,000। हाँ तो है भी उस लायक। अरे हर चीज ऐसे थोड़ी खड़ा रहता है, कर लो कर लो। काली तो अच्छा नहीं, काली माँ की मूर्ति नहीं है, विष्णु माता है, विष्णु भगवान है, सारे पगलाए हुए हैं, गणेश जी, हाथी, सारा पूजा वाला सामान है, सारे भगवान जी का है ना, पीतल का मूर्ति है। ये जो सूट का शॉप था ये दुबई से आए थे अपना कपड़ा बेचने के लिए, और यहाँ पे जो ये वाइट वाला सूट देख रहे हैं ना आप, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये वाइट वाला जो आंटी ने जिस पे हाथ रखा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कपड़ा भी था, एम्ब्रॉयडरी भी इसकी बहुत अच्छी थी, बट वाइट लेने के बाद जो मेंटेनेंस उसके साथ करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हेडेक होता है, इसलिए हम सोचे नहीं उसे लेने का, पर बहुत सुंदर था। इसी तरह के बहुत सारे जगह से अलग अलग, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी आए थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है तो हमेशा इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं, एंड इंडिया से तो आए ही थे, इनफैक्ट बांग्लादेश से भी लोग आए थे अपनी साड़ियाँ वगैरह बेचने के लिए, कोलकाता से, जयपुर से, हर जगह से, इंडिया में जितने भी ऐसे चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में यूनिक चीज़ें मिलती है वहाँ से भी लोग आए थे। जैसे लखनऊ का चिकनकारी लेके आए थे, बंगाल का जामदानी साड़ी लेकर आए थे, दुबई का इत्र लेकर आए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि देखने। और हम लोग तो यहाँ पे अपने कॉलेज के टाइम से, हमारा कॉलेज यहीं MMC मगध महिला कॉलेज में ही था, तो वहीं पे हम लोग जब भी कॉलेज में थे तो हम जब भी ये लगता था कॉलेज के बगल में, एवरी डे हमारा आना बनता ही बनता था, चाहे हम कुछ ले या नहीं ले। और जैसे सूट का जो दुकान आपने देखा वहाँ पे, वो 1,000-1,200 में सूट बेच रहे थे, कुछ सूट 1,000 रुपये के थे, कुछ 1,200 रुपये के थे। फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान से ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचने आए थे, ये दोनों तरफ दुकानें थी इनकी, दोनों ही अफ़गानी लोग थे जो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे। ऐसे कई सारे शॉप्स हैं, आगे आप देखिएगा, दुबई से चॉकलेट्स वगैरह भी आए थे, केरला के लोग आए थे जो चिप्स एंड केरला का हलवा बेच रहे थे। फिर ये सिटी गोल्ड वाले शॉप है जो 1.5 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग वाली ज्वेलरी जो बेचते हैं, उनके पास भी बहुत अच्छी अच्छी गोल्ड की ज्वेलरी थी, फेक गोल्ड है ये, रियल नहीं था ऑब्वियसली,
तो जो पहनते हैं, जो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, वो भीड़ लगे खड़े थे इस दुकान पर। मिठाई चलो चलो, ये खुलाफा है, ये खुलाफा है, चलो अच्छा। दो हजार रुपये फर्क नहीं होगा, समझिए थोड़ा। तुम यहाँ हो और हम तुमको हर जगह खोज रहे हैं। खैर, हम लोग इसी स्टॉल पे मिलते हैं हमेशा। कॉलेज की यादें ताज़ा हो रही हैं। कितना आते थे हम लोग यहाँ पे, हम तीनों, वो भी रेड सूट। क्या कुछ खरीद रही हो, क्यों टाइम पास कर रही हो? पागल, ये दूसरी पागल और हम तीसरे। थ्री मस्कीटर्स। तुम अपने आप को भी तो दिखाओ। अरे हमको तो दिखाते ही रहते हैं खुद को, मेरे चेहरे पे हम ही नहीं दिखते हैं, और कौन दिखेगा। कभी कभी नया चेहरा भी दिख जाना चाहिए। यहाँ पे नया बाल दिख रहा है नया चेहरे की जगह। क्या ब्लाउज, कौन सा? इंडिगो वाला। ये ब्लाउज अच्छा लग रहा है। बहुत बदमाश। इस तरह के ट्रेड फेयर में जनरली लेडीज़ की चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, पर इस पर्टिकुलर शॉप पे लेडीज़ के कुर्ते के साथ साथ जेंट्स के कुर्ते और कॉटन, खादी कॉटन के शर्ट भी मिल रहे थे। ये एक ही शॉप थी जहाँ पे लड़कों के शर्ट और कुर्ते वगैरह मिल रहे थे। तो ये था इस शॉप का नाम, खादी नाम का ही शॉप है और एक ही शॉप है जहाँ पर ये मिल रहा है। तो अगर आप कोई लेना चाहता है तो जा कर के वहाँ पर एक बार देख सकता है। कपड़ा काफ़ी अच्छा था। ये मैट कितने का अंकल? 200 का वन पीस, 500 में थ्री पीस। 200 का वन पीस। अच्छा, Thank you.
तीन वाइल है, दर्द का तेल है, दर्दनाशक कपड़े के दाग के लिए, दाग निकालने में बिना धोए दाग निकलता है। हाँ, कोई भी दाग निकाल लीजिएगा, चाय का, पान का, हल्दी का, सब्जी का, कपड़े से, कपड़े का रंग, धूली का रंग, कपड़े में अगर इंक लग गया, हेयर डाई है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी, तब दोनों को लगा देते हैं। ये चाय का, पान का, हल्दी का, सब्जी का टच कर देते हैं। कितने का दे रहे हैं? 150। अच्छा, लेते हैं, ठीक है, एक दे दीजिए उनको। ये पेन के लिए है, दर्द कैसे है? बस हमारे घुटना, नाक, सर्दी कहीं दर्द है मलना है। चंदन फेस पे, चेहरे के लिए चंदन का ले, नया पैक है ना? हाँ, कॉस्मेटिक में दोनों लगाना है। खाने पीने का दाग है तो बड़ा वाला। अच्छा, जैसे पेन का दाग लग गया, हेयर डाई लग गया, लिपस्टिक लग गया, तो पहले छोटा फिर बड़ा। खाने पीने का कोई आइटम है तो सिंगल बड़ा, चाय का, पान का, हल्दी का, सब्जी का है तो सिंगल बड़ा। ऐसे कोटन से यूज करना है, जहाँ दाग है दो डब लेना है, चाय का, पान का, हल्दी का, सब्जी का है दो डब ले लीजिए और दाग पे लगा दीजिए, ऐसे टच कर देना है। ये चंदन ले पाएगा मैडम, ऐसे लगा के 15-20 मिनट छोड़ देना है, गुनगुने पानी से धो लेना है। ये दर्द का तेल आएगा कमर में, घुटना में, नस में, हड्डी में, एक नाक बंद कीजिए। इस शॉप में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉर्ड सेट्स मिल रहे थे एंड 1500 में दो दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉर्ड सेट है, मुझे इसका डिज़ाइन, कपड़ा सब, प्रिंट वगैरह सब बहुत पसंद आया, बट आई डोंट वेयर एग्जैक्टली कॉर्ड सेट्स, तो मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे पता है जो मैं पहनती नहीं वो फिर रखा ही रह जाता है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, अगर आपको पसंद है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एंड 1500 में दो दे रहे हैं। तो प्रिंट ये जो फ्रंट में लगा हुआ है ना, पर्टिकुलरली ये कलर और ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ये मॉव कलर का जो सामने लगा हुआ है, बट मैंने नहीं लिया है। आपको अगर कॉर्ड सेट्स पसंद हैं तो ले सकते हैं, डेफिनेटली जो भी समर सीज़न, जैसा अभी सीज़न चल रहा है उसमें ये बहुत कंफर्टेबल होगा क्योंकि बहुत अच्छा कॉटन का कपड़ा था। इसके अलावा ये लोग कुर्ते वगैरह भी बेच रहे थे। फिर ये था जयपुरी बैंगल का स्टोर, यहाँ पे ये लोग 350 में बैंगल्स बेच रहे थे। आपका साइज बताओ आंटी। मैं दोनों, आप साइज दे दीजिए, ये साइज आपको आ जाएगा, ये ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए, ये छोटा साइज है, ये छोटा साइज है ना, ये पहनिए आपको, इससे छोटा दे दीजिए। ये कितने का है? 350 में, 350 जी। इसके बाद ये एक और स्टोर था जिसमें 100 रुपीज़ में कोई सी भी ज्वेलरी दे रहे थे, फिर चाहे वो नेकलेस हो, इयररिंग्स हो, बैंगल्स हो, ब्रेसलेट्स हो, वो पर्ल वाले नेकलेस हो, या ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स, ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस, सारी चीज़ें ये सिर्फ 100 रुपीज़ में दे रहे थे। फिक्स्ड प्राइस शॉप था इनका, तो 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक डिज़ाइन भी कुछ थे और कुछ रिपीटेटिव डिज़ाइन भी थे ऑब्वियसली, पर इनका सिर्फ 100 रुपीज़ प्राइस था, जो कि लाइक कॉलेज स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपके लिए अफोर्डेबल रेंज में आएगा। कैसा भी ज्वेलरी हो आपको 100 रुपीज़ में यहाँ पे मिल जाएगा। और ये देखिए, ये हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरीज भी 100 रुपीज़ में मिल रही थी, ये जो इयररिंग्स वगैरह हैं सारे के रेट एक ही थे, 100 रुपीज़। उसके बाद ये एक और सूट का स्टोर था, यहाँ भी रेंज वही था, 1000 रुपीज़ या फिर 1200। इसमें मुझे ये एक दुपट्टा दिखा, बहुत सारे दुपट्टे यहाँ पे इन्होंने लगा के रखे हुए थे, दुपट्टा का प्राइस मैंने नहीं पूछा, मैं भूल गई। तो ये एक पर्टिकुलर दुपट्टा था, जो सेकंड वाला दुपट्टा है जिसमें मिरर एंड पर्ल दोनों वर्क था, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी हैवी दुपट्टा था। अभी जैसे नवरात्रा का सीज़न आ रहा है तो अगर आप गरबा वगैरह में जाते हैं, डांडिया वगैरह में जाते हैं तो आप ले सकते हैं इस तरह का दुपट्टा, अच्छा लुक देगा। फिर साथ में कश्मीरी स्टॉल भी था जहाँ पे कश्मीरी सूट, कुर्तियाँ वगैरह बेच रहे थे। और ये एक जूती का स्टॉल था, इसमें भी हैंडमेड जूतियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी, 250 से स्टार्टिंग रेंज था यहाँ पर जूतियों का। इसी जूती के स्टोर के बगल में एक टैटू स्टोर भी था, स्टॉल था जहाँ पे टैटू बना रहे थे, लाइव टैटू काउंटर ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ था। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टैटूज एट, पर अगर आपको पसंद है तो आप बनवा सकते हैं यहाँ पे। मुझे तो टैटूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मतलब मुझे कोई सेंस नहीं लगता अपने बॉडी को बिना मतलब का नीडल से पेन देना। एंड ये एक रज़ाई थी, जयपुरी रज़ाई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे ये वाली रज़ाई बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
एक्चुअली ये कम्फर्टर था, रज़ाई एग्जैक्टली नहीं थी, एसी कम्फर्टर था ये, और वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस रज़ाई वाले काउंटर के जस्ट सामने एक नाड़ी वैद्य जी थे जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लेकर के आए थे और मेरी नाड़ी यानी कि मेरे पल्स देख करके भी इन्होंने मेरी हेल्थ के बारे में भी कुछ कुछ बताया था, जो कि सुनिएगा अभी आप। नाड़ी बताओ, हम लोग नाड़ी देखते थे, हम लोग नाड़ी वेद हैं। अच्छा। से हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग नाड़ी देख के दवा बताते क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं शरीर के अंदर, सारे चीजों का दवा बताते, चीरों की दवा मिला, कोई गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोई थायराइड के लिए। कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात वडोदरा। गुजरात से आए? अच्छा, मेरा चेक करिए करिए। शरीर तुम्हारा बहुत अच्छा है मैम, शरीर में कोई रोग कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर में गर्मी ने पित्त का असर है आपको। गर्मी पित्त क्या करता है, जो खाना खाते हो ना मैम, आधा कच्चा आधा पक्का पेट में रहता है। अच्छा। इसकी पाचन शक्ति नहीं होता। अच्छा। इससे क्या होता, कभी पेट साफ होता है कभी पेट साफ नहीं होता। कोई तेरेड़ा मेरा चीज खाते ना अपने एसिड ने पित्त होता है, पित्त के कारण से मगज में जाने से बाल झड़ जाते हैं, ज्यादा बैठा करे कभी कमर में दर्द होता है। हाँ, कमर में नहीं, थोड़ा स्पाइन का है, पुराना पुराना प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, मैं एक बात कहूँ, वो नाराज भी हुआ, इससे क्या होता है कभी पेट साफ होता है कभी पेट साफ नहीं होता। पेट के कारण से क्या होता है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम है ना, ये कम हो जाता है। अच्छा। इसके कारण से पीछे का जो हड्डी होता है ना, इससे गैप पड़ जाता है मैडम। अच्छा। इसके लिए बोलोगे तो ये तीन जात की दवा आते हैं। ये पहला फायदा आपकी गैस कब्जात एसिडिटी पित्त के लिए, ये आपकी हड्डियों का दुखावा कमर का दुख। अच्छा। आपके लिए तीन दवा है ना, खाली पानी के साथ लेने में। किस चीज का बना है? केरला चिप्स, जो केरला हलवा भी है, ले सकते हैं। हमने खाया। कैसे, क्या रेट है भैया हलवा का? 700 है, 600 है पर किलो। 320 रुपीस। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं। क्या क्या फ्लेवर है एक बॉक्स में? अंजीर है, ड्राई फ्रूट है, पाइन एप्पल है, आलमंड कैरेट है। आपको केरला चाहिए? देखते हैं, होगा तो आके ले लेंगे, पहले एक बार और थोड़ा घूम लेंगे। जैकफ्रूट चिप्स नहीं है? डिज़ाइन बहुत अच्छा। अरे हम ये कॉइन वाला ढूंढ रहे थे, लेकिन ये इसमें ये लगा हुआ है ऐसा लॉकेट, मेरे को सिर्फ कॉइन वाला चाहिए। हाँ बुलाओ। और ईयर ड्रॉप्स है, हम भी तो यार ही में बोले। ये देखो ये ये एलिफेंट वाला कितने में है? 750 ये इयररिंग्स है, इयररिंग्स नहीं है, मिरर है, ये सिंदूर का है। अरे पैंट के मत देखो उसको, पूरा वेजिटेबल डाइस कलर, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। बाजार से मैं कपड़ा लेकर मेरा खुद का काम प्रिंट और स्टिचिंग दोनों मेरी है। अंकल कलमकारी वाली कुर्ती कितने की? कलमकारी वाली कुर्ती कलमकारी है बेटा, ये वाला कलमकारी, ये कलमकारी है। कितने की है? 750 रुपए का है, लॉन्ग वाला। लॉन्ग वाला, शॉर्ट में भी है। आपका ये ए लाइन में लोगे, दोनों साइड पॉकेट है इसमें, ये आपका 850 रुपए का। और जो आपका टॉप लोगे तो 500 रुपए का है, दो टॉप। अच्छा, शॉर्ट वाला। और जो क्रॉप टॉप लोगे वो 350 का है। और जो ये ब्लाउज है, साड़ी पे डालो, सूट पे डालो, रिवर्सिबल ब्लाउज है दोनों साइड से।
ब्लाउज 650 का है और जो बाजू में लोगे वो 850 का है। कुर्ती सुंदर है, कुर्ती ले सकते हैं। दुपट्टा लो, येलो वाला ले लोगे ना, ये वाला इसके साथ मैच करेगा, ये वाला टीएसटीएस के ऊपर। हाँ। क्योंकि मैं माल देता हूँ ना, इसलिए आपको रेट बता रहा हूँ। हाँ बेटा, बोन जो निकाल देता हूँ। हाँ, कलमकारी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पीस, दोनों साइड पॉकेट है, ये तो आपका ये होगा, और देखो इसमें दोनों साइड एरी पॉकेट, ये खूब गहरी गहरी है, देखो एरी इधर भी और इधर भी, इधर भी जेब है दोनों साइड। पकड़ेगी एक मिनट में कुछ। बाकी चीज कोई भी ले लो, कोई भी दिक्कत आवे ना तो रिटर्न भी हो जाएगा और पैसे भी रिटर्न हो जाएंगे आपको। अच्छा लग रहा ये भी कहूँ ना, ये आंटी का बताओ किस हीरोइन से फेस मिलता है। आप मुझे ओके करो, सही कह रहे हैं, हमको लग रही है हीरोइन से उनके जैसे, सायरा बानो के जैसे, हैप्पी इंडिया सलामा सायरा बानो के जैसे लग रही है। एलियन में लोग एक स्टेट वाला, स्टेट वाला आपको ये सही जगह लाना, लाल देख ओपन कर लो। अंकल हम लोग को स्कूल स्टूडेंट समझ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट अंकल। मैं बेटा मैंने आपके लिए कर दिया और आपको मैंने कर दिया, सबको कर दिया। और भी कलर दिखा देंगे क्या जी? आपको मीडियम आएगा, मीडियम 44 है। ये पूरा आंटी सच में सायरा बन गया, ये स्कूल के 40-42 का है, ये आपको 40-48 का है। लाल वाला आंटी आप एकदम सायरा बानो जैसे दिख रहे हो आप, सच हम तब से देख रहे हैं आपको, वैसे ही दिख रहे हैं आप। तो पल भी बहुत अच्छी ले रही, अच्छा ही है। तो आप बहुत खराब। हेलो बोलो, हेलो एक कहाँ गई? वहाँ बैठी हुई थी, पता नहीं कहाँ गई। चॉकलेट्स ले रही हो? क्या ली तुम फिर घरेलू आइटम? नहीं, एक कुर्ती ली है। नहीं अब तुम हमको जस्टिस दिलाओ। किस चीज़ से? मेरा मजाक उड़ाया गया है। किसके किसके सामने? सबके सामने। क्या हुआ? रुचि कह रही हमको बार्गेनिंग करा दिए तुम्हारा मन, वही वही सोचो उसका इतना हिम्मत। रुचि भूल गई है कॉलेज का टाइम, उसे याद दिलाना इसको। नहीं पसंद, मतलब पसंद आ रहा है पर समझ नहीं आ रहा कौन सा है। श्रेया भी वो वहाँ पे इयर रिंग ट्राई कर रही है, वो रही ये अच्छा लग रहा है, ये वाला लेंगे, यूनिक है थोड़ा। ओके गाइस, तो हम घर वापस आ चुके हैं और अभी बज रहा है अराउंड 7:30 बजे का टाइम है और हम 6:45 यानी कि 5:45 तक घर आ गए थे। और जो भी चीज़ें हम आपको वीडियो में दिखाए ना, उसमें किसी का हम प्राइस नहीं पूछे थे, क्योंकि सामान निकाल के देख लेना और प्राइस पूछ के छोड़ देना वो अच्छा नहीं लगता, मुझे पर्सनली ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो बस क्या क्या मिल रहा है वो हम दिखाएं, एंड हर रेंज में चीज़ें हैं, अफोर्डेबल भी हैं एंड कुछ महंगी चीज़ें भी हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी है, जो भी चीज़ें आप देख ही लेंगे इस वीडियो में आपको दिख गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।